नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नरेश मीणा थप्पड़ कांड हर रोज नया मोड़ ले रहा है। राजस्थान के टोंक जिले में हुई ये घटना अब सबकी जुबान पर है और सबकी नजरें इस पर बनी रहती हैं। और जिस तरीके से भारी हंगामा हुआ, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद ये मामला बढ़ा और नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, उस पर अब अलग अलग नेता अलग अलग राय रख रहे हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा भी सामने आए। उनका कहना था कि जिस रात हिंसा हुई उसके अगले दिन सुबह ही वो मौके पर पहुंच गए थे और जिस तरीके से उन्होंने सारे मौके का जायजा लिया, नुकसान को देखा, उन सब चीजों को देखकर उन्होंने लोगों से बातचीत की और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन भी दे दिया था। उनका कहना था कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। चुनाव आयोग के अधिकारी थे, उनका काम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना था, कानून को हाथ में लेना किसी भी तरह से सही नहीं है। अब किरोड़ी लाल मीणा ने जब से इस मामले में अपना बयान दिया है तब से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मामले पर बता दिया है कि कौन है इसके पीछे। जी हाँ, उन्होंने कांग्रेस पर इस पूरे मामले का ठीकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि कांग्रेस की वजह से ही ये सब हुआ है। उन्होंने एक शांत क्षेत्र को अशांत क्षेत्र में बदल दिया। उनियारा कभी ऐसा नहीं था। अफसरों का ऐसा अपमान पहले कभी उनियारा में नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ सके। उन्होंने थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा के बारे में भी कह दिया था कि नरेश ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ही उसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की सलाह दी और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश का माहौल खराब करने में कांग्रेस का पूरी तरीके से हाथ है। उन्होंने जवाहर सिंह बेढम से भी बातचीत की। बेढम ने भी साफ साफ कह दिया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम होगा और अभी हाल ही में मदन राठौड़ के बयान से भी राजस्थान की सियासत गर्मा गई थी, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने 6 सूत्री मांगों को सरकार के सामने प्रस्ताव के तौर पर रखा है, उनको देखकर कहीं ना कहीं असहज हो गई सरकार। आपको बता दूं कि वो मांगे कौन कौन सी थी। सबसे पहली मांग तो ये थी कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ सके, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। निर्दोष लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करे, सम्राप्ता और रानीपुरा गांव में उनियारा उपखंड को शामिल किया जाए, पुलिस की देरी और कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों द्वारा की गई एक तरफा कार्यवाही की भी जांच हो, सम्राप्ता और आसपास के गांवों से डर का माहौल खत्म करने के लिए पुलिस बल को हटा लिया जाए, और जिसे तुरंत कर भी दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन मांगों में से कई मांगे ऐसी हैं जिन्हें सरकार पूरी कर पाने में असमर्थ है। साफ साफ राठौड़ ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी कानूनी तरीके से होगा उसे फॉलो किया जाएगा, कानून को हाथ में लेने का हक किसी का नहीं है। इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो 6 मांगे सबके सामने रख दी है, राज्य सरकार के सामने रख दी है, उसके बाद सोचने वाली बात यह है कि अब सरकार के सामने ऐसी कौन सी समस्या आन खड़ी है जो ये मांगे पूरी नहीं कर पा रहे। देखिए, इस मामले को जो जिस तरीके से देखता है, जिस नजरिए से देखता है, उसे वही पक्ष सही लगता है। किरोड़ी लाल मीणा ने ग्रामीणों से बातचीत की। नरेश मीणा को वो जिस तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जायजा ब्यौरा लेकर सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिए, लेकिन कानून को हाथ में किसने नहीं लिया, यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है। कानून को हाथ में नरेश मीणा ने भी लिया, कानून को अपने हाथ में SDM ने भी लिया और तमाम उन लोगों ने लिया जिन्होंने गांव में ऐसा माहौल बना दिया, लोग अभी तक दहशत से उभर नहीं पाए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। किरोड़ी लाल मीणा की मांगे नहीं माने जाने का जो कारण सामने आया है, वो भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जो प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो सही है या नहीं। नरेश मीणा पर क्या फैसला होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा ये तमाम सारे समीकरण आपको किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर। रखिएगा अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही है तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है।
तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में, और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।